وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما। मैं आपको बतलाऊं, बास सलफ कहते हैं, इन्नल फितनता इदा अकबलत अरफा अल उलमा। जब फितने सर उठाते हैं, जब फितने सर उठाते हैं तो इनको सबसे पहले उलमा जान जाते हैं, और जब फितने पलट के चले जाते हैं तब आम आदमी को मालूम होता है कि ये फितना था जिसमें मैं पड़ गया। इसने मेरे भाई उलमा से इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह ने इसकी रगबत देते हुए कहा कि नौजवानों की जमात में, खास करके ये मैं मफहूम बता रहा हूं, तर्जुमा नहीं कर रहा हूं लफ्ज़ी, खास करके नौजवानों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो उलमा से जुड़े, जुड़ करके इल्म हासिल करे। लायक सद एहतराम मुअज्जज़ व मुअक्कर उलमा इकराम, बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिस मालिक अर्दो समा ने हम पर अपनी तमाम नेमतों को मुकम्मल किया। सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल दीन इस्लाम की नेमत से हमें और आपको नवाजा। दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम नबी और रसूलों पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कायनात की रुश्द व हिदायत के लिए इस कायनात के अंदर महबूस फरमाया, खसूसियत के साथ बेपनाह अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हम सब के इमाम, इमाम आदम, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد। वही बैठ जाए। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد। حاضرين جمعة, خطبه جمعة کا عنوان ہے شبہات کے فتنے। उन्वान के इख्तियार करने का बुनियादी मकसद और बुनियादी वजह यह है कि खुसूसी तौर पर शहर हैदराबाद में और उमूमी तौर पर पूरे मुल्क में आज नौजवानों का एक बड़ा तबका शुबहात के फितने में मुब्तला नजर आता है। इंशाल्लाह इसकी तफसील आगे आएगी। अपने इन्हीं नौजवानों को शुबहात के फितने से निकालकर सही दीन, सही मनहज, सही तरीका और किताबो सुन्नत की रहनुमाई की जाए, उस मुनासिबत से मैंने आज के खुतबे का उन्वान इख्तियार किया है। एक बात आप और हम अच्छी तरह से समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमें दुनिया में पैदा किया तो अल्लाह ताला हमें आजमाएगा, हमारी आजमाइशें होंगी, हमारा इम्तिहान होगा, अल्लाह हमारा इख्तिबार लेगा। और इस आजमाइश की बुनियादी वजह यह होती है कि अल्लाह ताला हकीकी ईमानदारों को उन ईमान वालों से जो सिर्फ जबानी तौर पर ईमान का दावा रखते हैं दोनों को अलग करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 32 पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले तो क्या उसे आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा, वलकद फतन्नल लजीन मिन कबलिहिम, अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों को आजमाया है। आप तारीख उठा करके देख लीजिए दुनिया की, और दुनिया की तारीख देखनी हो तो कुरान मजीद को पढ़िए। मैं कहता हूं कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता अक़वाम के हालात बयान किए,
हत्ता के बहुत ही माजी करीब में जो तबका गुजरा है सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम का, उनकी जिंदगी का अगर हम मुताला करें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी छोटी बड़ी आजमाइशों के जरिए आजमाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। क्यों आजमाया अल्लाह ने? फलयअलमन्नल लजीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह ताला सच्चे पक्के ईमानदार मुवाहिद बंदों को अलग कर दे किन से, वो जो ईमान के दावे में झूठे हैं या झूठे ईमान के दावेदार हैं। आजमाइश का मतलब और मकसद ही यही है कि इंसान की परख हो जाए। अब देखें, हम एक सोने का बड़ा सा ढेला लेकर के अगर सुनार के पास पहुंचते हैं तो उसे वो केमिकल में डाल के आग पर तपाता है। क्यों? ताकि उसमें जो असली सोना है वो और जो मिलावट की गई है वो मिलावटी सोना दोनों को अलग कर ले। तो आजमाइश का मकसद यही होता है। फितने जो रातों दिन हमारी जिंदगी में आते हैं उनका मकसद यही है कि कौन इन फितनों से अपने आप को बचा के ईमान का सच्चा दावेदार है और कौन इन फितनों में पड़ करके अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेता है। आप पढ़िए सैयदना अबू हुरैरा रضي الله تعالى عنه, हदीस के रावी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल आमाल, अमल करने में जल्दी करो, फितनन कक़ता अल-लैल अल-मुज़लिम, कहा फितने अंधेरे और तारीख रातों की तरह आ रहे हैं। हम तो शहरों में जिंदगी गुजारते हैं, हमें अंधेरे अंधेरे और तारीकी का अंदाजा नहीं है। वो लोग जो देहातों में जिंदगी गुजारते, जाइए उनके यहां देखिए, जहां बिजली का पता नहीं, रोशनी का कोई अता पता नहीं, रातें जब तारीख होती है तो इंसान रात की तारीकी को देख करके डर जाता है। कहा ऐसे ही तारीख रातों की तरह एक के बाद दूसरा फितना आ रहा है। ऐसे ऐसे फितने हैं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनु व युमसी काफिरा, या रब, सुबह कोई ईमान लाया, शाम होते होते बंदा काफिर हो जाता है। ये शुबहात के फितने हैं। इंसान जब इन शुबहात के फितने में पड़ता है तो अपने दीन का सौदा कर लेता है। कहा युस्बिहु रजुलु मुमिनु व युमसी काफिरा, सुबह को मोमिन है, शाम होते होते काफिर हो जाता है। कहा शाम को ईमान लाया, फितने ऐसा उस पर असरअंदाज होते हैं कि सुबह होते होते वो काफिर हो जाता है। या रब, सोचिए आप, दुनिया का थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने दीन का सौदा कर लेता है। और ये फितने हम इनमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपको एक हदीस सुनाता हूं, तब शायद आपको अंदाजा हो कि आज के दौर में हम कैसे कैसे फितनों में घिरे हुए हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, से बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है, कहा एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, अशरफ नबी अला उतम मिन आतामिल मदीना, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की एक बस्ती पर झांका। ऊंचाई पर जब हम होते हैं तो हम नीचे इस तरह झांक के देखते हैं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही झांका और कहा, हल तरौन मा अरा, ऐ मेरे साथियों, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? सहाबा ने कहा, नहीं, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये मदीने की बस्ती दिखाई दे रही है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी अरा मवाक़िअल फितनि खिलाला बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़त्रि, कहा जैसे आसमान से बारिश के कतरात नाजिल होते हैं वैसे ही मैं फितनों को तुम्हारे घरों में नाजिल होता हुआ देख रहा हूं। ये मदीने की बात हो रही है, ये उस दौर की बात हो रही है जिस दौर के बारे में कहा, खैरुल क़ुरून क़रनी, सबसे बेहतरीन ज़माना नबी और सहाबा का ज़माना है। उस ज़माने में फितनों का नुज़ूल ऐसा हो रहा है गोया के आसमान से बारिश के कतरात नाजिल हो रहे हैं। तो ये ज़माना जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचिए कैसे कैसे और कितने फितने होंगे। मेरे भाइयों, याद रखें, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब इग़ासतुल लुहफ़ान मिन मसाइदि शैतान, अपनी इस किताब के अंदर उन्होंने फितनों की दो किस्मों का तज़किरा किया है। कहा कि कुरान और सुन्नत के अगर दलाइल को जमा किया जाए या कुरान और सुन्नत के दलाइल को जमा, बेहयाई, ये शहवात का फितना है, हराम खोरी, ये शहवात का फितना है, शराब नोशी, ये शहवात का फितना है, ये गुटका पान बीड़ी सिगरेट, ये शहवात के फितने हैं। उसके बाद कहा कि मर्दों का औरतों के जरिया औरतों का मर्दों के जरिया फितने में मुब्तला हो जाना, ये शहवात का फितना है। जमीन में फितना व फसाद मचाना,
अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी को कत्ल कर देना, ओहदा और मनसब के हुसूल के लिए लोगों पर जुल्म और ज्यादती करना, ये चीजें क्या है? ये शहवात के फितने हैं जिनका ताल्लुक इंसान की नफसानी ख्वाहिशात से होता है। दूसरा फितना शुबहात का फितना है। इन दोनों किस्मों को बताने की वजह क्या है, मैं आपको आगे बताता हूं। दूसरा फितना जो है यह शुबहात का फितना है, यानी इंसान अपने दीन में शको शुबह में मुबतला हो जाए, अपने दीन के ताल्लुक से शको शुबह में मुबतला हो जाए। सही मनहज जो कुरान और हदीस का है, सही मसलक जो सहाबा ताबेईन तबा ताबेईन का है, उस मसलक को छोड़ दे, सहाबा और ताबेईन के रास्ते को छोड़कर गुमराही की राह इख्तियार कर ले, शिर्क में पड़ जाए, खुराफात में पड़ जाए, बिदआत में पड़ जाए, ये सारी चीजें जो है ये शुबहात के फितने हैं। और आज नौजवानों में जो सबसे बड़ा फितना पाया जाता है शहवात के बाद, वो शुबहात का फितना है। और शुबहात के फितनों में आज नौजवानों में जो सबसे बड़ी चीज पाई जाती है वो गैर मनहजियत है। वो मनहज जो सहाबा ताबेईन तबा ताबेईन का था, वो मनहज जो अइम्मा दीन और मुहद्दिसीन का था, वो मनहज जिसे कुरान और सुन्नत ने पेश किया, आज नौजवानों की अक्सरियत उस मनहज को छोड़कर मनमानी बनाए हुए अपने तरीके, अपने साबते, अपने उसूल दीन के नाम पर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं, ध्यान से सुनना, शहवात और शुबहात दोनों फितरों का मैंने तज़किरा किया। बुनियादी वजह इसकी यह है कि आदमी शहवात के फितनों से तौबा कर लेता है। एक नौजवान मिसाल के तौर पे, उसे बुराई की आदत लगी है, अगर आप उसे बैठा के समझाएं तो करीब है कि शहवात के उस फितने से वो तौबा कर ले, कहीं ना कहीं उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, आखिरत का डर हो, जहन्नम के मुतालिक सोचे, अल्लाह की नेमतों वाली जन्नत की फिक्र करे, तो वो शहवात के फितने से तौबा कर लेता है। लेकिन शुबहात के फितने से अक्सर व बेशतर नौजवान तौबा नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? वो ये कि वो अपने मनहजी बिगाड़ को या अपने अकीदे के फसाद को ही असल दीन समझते हैं। आप देखिए, जो लोग कब्रों पर सजदा करने वाले हैं, जो लोग कब्रों पर सजदा करने वाले, आपने देखा होगा एक हाजी साहब माशाल्लाह केरल से पैदल चले, अभी पैदल चलते चलते वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए और वहां मुजावर खुलेआम कहता है कि हमसे कहो ख्वाजा हमारी सुनते हैं, तुम्हारी बात हम पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये शुबहात के फितने हैं। आप उसे तौबा नहीं करा सकते, इल्ला मन रहम रब्बी, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। इसलिए कि वो इसी को दीन समझता है ना, वो इसी को शरीयत समझता है, वो समझता है कि यही दीन है जो अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे। शुबहात का फितना इतना खतरनाक है कि आदमी अगर उसमें पड़ जाए तो बहुत कम चांस है कि अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक देता है, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। ये इस एतबार से बड़े खतरनाक है। अल्लाह ने हमें हमारे दीन की हिफाजत का हुक्म दिया है और वो तमाम बातें जो दीन की हिफाजत का जरिया बन सकती है कुरान और हदीस में अल्लाह ने बयान कर दिया है। लेकिन बंदा कुरान और हदीस से ही दूर है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी मनमानी तावीलात, अपने बनाए हुए मसलक, अपने बनाए हुए मजहब को दीन समझता है, शरीयत समझता है, इस्लाम समझता है। यही वजह है कि वो शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, मनहजी इनहराफ से तौबा नहीं कर पाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में जो सबसे पहला फिरका बना था वो शुबहात के फितने की वजह से बना था। आप पढ़िए इस्लामी तारीख, पढ़िए खारजियों का जो फितना उठा सैयदना अली सैयदना मुआविया रदियल्लाहु अन्हुमा के जंग के दरमियान, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? शुबहात का फितना था। उन्होंने अल्लाह की किताब की मनमानी तावील की, उसके बाद वहां से राफजियत और शियत का हिस्सा निकला, फिर उसके बाद जबरिया आए, कदरिया आए, मोतजिला आए, मातुरीदिया आए और फिरके बढ़ते चले गए। कह लीजिए कि दीन इस्लाम में फिरकों का जो वजूद है वो शुबहात के फितने की वजह से है। ये शुबहात का फितना इतना खतरनाक और इतना भयानक होता है कि वह इंसान के दीन और इस्लाम और उसकी शरीयत को डुबो देता है। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और मेरी मां और बहनों, कुछ तरीके ऐसे हैं, कुछ वसाइल ऐसे हैं, कुछ जराए और कुछ उसूल और जाबते ऐसे हैं कि अगर उनकी पाबंदी की गई तो अल्लाह ताला शुबहात के फितने से हमें और आपको बचा सकता है। ध्यान से सुने और इन बातों को नोट कर ले अपने पास
कि अपने दीन और ईमान की आज के इस पुरफितन दौर में हिफाजत करनी है तो इस किले में अपने आप को बंद कर लीजिए जिन किलों का मैं आपके सामने तज़किरा कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, अकीदा तौहीद पर साबित कदम रहिए। आपने जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है, इस अकीदे पर साबित रहिए, अल्लाह ताला आपको शुबहात के फितनों से महफूज फरमाएगा। आप पढ़िए कुरान मजीद सूरत तगाबुन की आयत नंबर 11 की तिलावत कीजिए। अल्लाह ने कहा, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बहु वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये जो तुम्हें मुसीबत पहुंची है ये अल्लाह के हुक्म से पहुंचा है। ये मुसीबत, ये परेशानी, ये मसाइल, ये फितने, ये अल्लाह के हुक्म से है, ये अल्लाह के हुक्म से है। लेकिन वमन युमिन बिल्लाह, लेकिन आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, अकीदे तौहीद का इकरार कर ले, इससे मुराद वो अकीदे तौहीद है जो शिर्क से पाक हो। वो नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करे, गले में तावीजें भी बांध के घूमे। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, दुकान और मकान में बरकत के लिए तावीजें भी लटकाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, दुकान जब सुबह खोले नींबू मिर्ची भी लटकाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और घर की तामीर के वक्त जूते चप्पल भी बांध करके लटकाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, बिल्ली रास्ता काट दे वही रुक जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, गैरों के आगे सजदे, गैरों से मुरादे ये नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मानना यह है कि वो तमाम काम जो अल्लाह के लिए होने चाहिए मखलूकात में से किसी के लिए ना किया जाए। यह अकीदा तौहीद जो सहाबा का था। आप सहाबा की जिंदगी देखिए, अल्लाह ताला ने सहाबा को शुबहात के फितनों से महफूज रखा, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मफहूम और उसके तकादे को जानते थे और उसको उन्होंने पूरा किया था। इसीलिए अल्लाह ने कहा, मैं युमिन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, शिर्क ना करे, यहदे कल्बहु, अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत देता है, अल्लाह उसके दिल की इस्लाह कर देता है, अल्लाह उसके दिल को कल्बे सलीम बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा उसके बाद वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का इल्म रखने वाला, हर चीज को जानने वाला है। ऐसे ही कुरान मजीद सूरतुल अनआम की आयत नंबर 82 की तिलावत कीजिए। अल्लाह ने कहा, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون। अल्लाह ने कहा, जो ईमान लाए और शिर्क न करे, खुली बात है, ईमान लाया शिर्क नहीं किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि यही लोग अमन वाले हैं, यही लोग हिदायत वाले हैं। तो ईमान लाने के बाद अगर शिर्क न किया जाए, अकीदे तौहीद पर इंसान डटा रहे, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला उसके इस अकीदे की बरकत की वजह से और अकीदे तौहीद की बरकत की वजह से अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी अमनो शांति अता करेगा और आखिरत में भी वो मामून होगा और अल्लाह ताला उसे दुनिया में हिदायत पर, सीधी राह पर रखेगा। कौन सा रास्ता, कौन सी हिदायत, जिसका हम नमाज में मुतालबा करते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। कहा ईमान वालों का, हिदायत याफ्ता लोगों का, इनाम याफ्ता लोगों का सीधा रास्ता जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अवद में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने वाला है। अगर शुबहात के फितनों से बचना है मेरे नौजवानों, तो अपने अकीदे की इस्लाह कर लो, अकीदे की इस्लाह कर लो, अकीदे तौहीद पर साबित कदम रहो। दूसरी चीज जो शुबहात के फितने से हमें और आपको बचा सकती है, वो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ना। अपनी जिंदगी का वतीरा बना लीजिए, अपनी जिंदगी का मनहज और उसूल बना लीजिए कि हमारी जिंदगी कुरान और सुन्नत, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरे। आप पढ़िए कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, सूरतुल माईदा आयत नंबर 15 और 16 की तिलावत कीजिए। अल्लाह ने कहा, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم। अल्लाह ने कहा, ऐ लोगों, قد جاءكم من الله, अल्लाह की तरफ से आया, क्या आया, नूर, नूर आया, वो किताब मुबीन, और अल्लाह ने वादह और रोशन किताब दिया, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिदवानहु सुबुलुस सलाम। हाँ, बंदा अगर अल्लाह की रजामंदी चाहता है, बंदा ये चाहता है कि अल्लाह को खुश कर ले, अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह का पसंदीदा और महबूब बंदा बन जाए, अगर वो कुरान और हदीस की इत्तबा करना चाहता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को हिदायत देता है अपनी रजामंदी की और सुबुलुस सलाम की। सुबुलुस सलाम क्या है,
कहा सुबुल सलाम क्या है, वह युखरिजुहुम मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर, अल्लाह ताला उसे गुमराहियों की तारीकी से निकालकर हिदायत की रोशनी में लेकर के आता है। यह सुबुल सलाम है, यह सुबुल सलाम इस्लाम का रास्ता। अगर बंदा कुरान और सुन्नत की इत्तबा करे तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उसे इस्लाम की हिदायत देता है और अल्लाह ताला उसे गुमराहियों से निकाल करके हिदायत की नूर की तरफ लेकर के आता है। कहा वह यहदीहिम इला सिराति मुस्तकीम, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को सीधे रास्ते की हिदायत देता है। अब याद रखिए, शुबहात के दौर में, फितनों के दौर में, अगर फितनों से बचना है, शुबहात के फितने से बचना है, तो आप कुरान और हदीस पर आ जाइए, सही दीन पर आ जाइए। और आपको मालूम है शुबहात का माना क्या होता है, किसी चीज का या किसी मामले का इंसान के ऊपर यानी समझ में ना आना उसे कि यह सही है कि गलत है, क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन हम इतना तो जानते हैं अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद मासूम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक मासूम है, अल्लाह ने आपको हर चीज से महफूज रखा है। तो कुरान और सुन्नत पर अगर आ गए तो हम शुबहात के फितने से अपने आप को बचा सकते हैं। पढ़िए, इमाम मरवजी रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब अस-सुन्ना के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक रिवायत नकल किए, कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया फाकिरु अय्युहन नास कौली, कहा अल्लाह के नबी ने ऐ लोगों मेरी बातों के ताल्लुक से जरा अकल और होशमंदी से काम लेना। अल्लाह के नबी ने उम्मत के अफराद को मुखातब किया फाकिरु अय्युहन नास कौली, ऐ लोगों मेरी बातों के ताल्लुक से अकलमंदी से काम लेना। फइन्नी कद बल्लगतु, मैंने अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी थी उसे पहुंचा दिया, नबुवत का फरीदा, रिसालत का फरीदा मैंने अदा कर दिया। वक़त तरक तो फी को मैं अलन तदिल्लु बादा, कहा हाँ अपने बाद जो है मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम इनको पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल ही, कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फितनों के दौर में शुबहात से बचना है मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी ने यह नुस्खा दे दिया कि आप कुरान और सुन्नत पर डटे रहे, जमे रहे, यही आपकी हिफाजत का जरिया है, यही आपके लिए हिसार है, यह आपके लिए किले की हैसियत रखता है। आपको मैं बतलाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहीहुल जामे की रिवायत है, अल्लामा अल-अल्बानी रहमहुल्लाह ने सहीहुल जामे में इसकी सनद को सही करार दिया, कहा तरक्तु फीकुम शैएइन लन तज़िल्लु बादहुमा, किताब अल्लाह व सुन्नती, कहा ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जाता हूं, दो चीजें छोड़ के जाता हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और एक मेरी सुन्नत, अगर इन दोनों को लाजिम पकड़ा तो यकीन जानो कि तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और यही वजह है, यही वजह है कि इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया अस-सुन्नतु सफीनतु नूह मन रकिबहा फकद नजा वमन तखल्लफा अनहा गरीक, कहा सुन्नत जो है यह नूह अलैहि सलाम की किश्ती का बेमिसल है, जो इस पर सवार हो जाए वो बच जाएगा। आप देखें नूह अलैहि सलाम ने जब कश्ती तामीर की, जब कश्ती बनाई तो उस पर जो सवार हो गए वो बच गए, हत्ता के नूह अलैहि सलाम का बेटा पहाड़ों पर चढ़ गया, कहा कि अब्बा आज मैं पहाड़ों पर चढ़ के अपने आप को बचा लूंगा, आज अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे ही सुन्नत की मिसाल है, जो आदमी सुन्नत की कश्ती में सवार हो जाए, जिसने कुरान को अपनी जिंदगी का उसूल बनाया, सुन्नत रसूल को अपना मनहज बनाया, यकीन जानिए उसकी मिसाल वैसे है जैसे कि वो सफीना नूह में सवार होकर के नजात पाने वालों में से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही मेरे भाई, कहा आगे चल के वमन तखल्लफा अनहा गरीक, याद रखो जो आदमी सुन्नत की कश्ती में चढ़ने से रह गया वो डूब करके हलाक होने वाला है, वो डूब करके हलाक होने वाला है। फितनों के दौर में, शुबहात के फितनों से अपने आप को बचाना है, अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं कि मुसलमानों अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारो, कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारो, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही अपने आप को अगर हम चाहते हैं कि शुबहात के फितनों से बचा लें, तो उनमें सबसे बुनियादी चीजों में एक अहम चीज है दीनी इल्म का हासिल करना और उलमा की तरफ रुजू करना। इल्म हासिल कीजिए, हमारे यहां इल्म का हुसूल खुतबा जुमा, मगरिब या इशा के बाद होने वाले दुरूस और फजर के बाद होने वाले दर्स पर मुनहसिर होकर रह गया है। शहर हैदराबाद में आम तौर से, खास तौर से नहीं, आम तौर से मैंने देखा कि लोगों के यहां हुसूल इल्म का मामला क्या है, हम जुमा के खुतबे में आते ना शेख, दर्स में बैठते ना,
सुनते ना सीखते ना, ये हुसूल इल्म नहीं है। इल्म का हासिल करना किताबों का पढ़ना है, किताबों का पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, शेख बदीउज़्ज़मा मदनी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला शेख मोहतरम को सलामत रखे, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। अभी पिछले हफ्ते मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो ऐसे ही बात ही बात में मैंने कहा कि शेख अब्दुर्रज़्ज़ाक अल-बदर हफिज़हुल्लाह की एक किताब है अहादीसुल अखलाक, मैं उसका दर्स दे रहा था। तो शेख बहुत अफसोस किए पहले और कहा कि पता नहीं हम इन किताबों को कब पढ़ेंगे। और मैं आपको ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि शेख मोहतरम की हैसियत एक लाइब्रेरी की तरह है, अकेले वो शख्सियत जो है एक लाइब्रेरी की हैसियत रखती हैं। इतनी किताबों का उन्होंने मुताला किया, उसके बावजूद इल्म का ये शौक, कहा कि पता नहीं इन किताबों का हम मुताला कब कर पाएंगे, इन किताबों को हम कब पढ़ पाएंगे। अल्लाह, अब सोचिए नौजवानों में ये दर्द खत्म हो चुका है किताब पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का। अल्लाह अकबर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि लोग अहले इल्म से दूर हो गए, अहले इल्म से कह लीजिए कि बगावत दिखती है शहर हैदराबाद के अंदर, और सरेआम पूछा जाता है उलमा क्या कर रहे हैं, यह बगावत है अहले इल्म से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और याद रखें, इसी बगावत का नतीजा है कि लोग शुबहात के फितने में पड़े हुए हैं। आपको एक मिसाल देके कहता हूं, पड़ोसी मुल्क के एक इंजीनियर साहब हैं, बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, वो बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वो अपने एक बयान में कहते हैं, देखिए शुबहात का फितना नौजवानों में कैसा फैल रहा है। वो अपने एक बयान में कहते हैं कि अगर मैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में होता तो मुआविया और मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हुमा पर तलवार उठा करके उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ता। अक्सर नौजवान इंजीनियर साहब को सुनने वाले, मिठे मिठे बात हमारे नौजवानों को बहुत पसंद है। नहीं शेख, वो इंटरनेशनल नंबर के साथ हदीस बताते हैं, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जिन सहाबा के बारे में अल्लाह ने रजामंदी का ऐलान किया, उन सहाबा के बारे में ये कहा जाए कि मैं इनके खिलाफ तलवार उठाता, ये मनहजी बिगाड़ नहीं, ये शुबहात का फितना नहीं, ये कुरान और हदीस से दूरी नहीं, तो फिर क्या है। हमने एक साहब से कहा कि देखो भाई, इंजीनियर साहब के नाम का FIR कट चुका है। तो बड़े नाराज हो गए। हमने कहा कि सिर्फ FIR कटा तो नाराज होते हो, हमारे रूहानी मामू, हमारे साहबा के बारे में इंजीनियर साहब इतनी बातें कहते, तुम्हारी गैरत कहां मर जाती है? कौन से कोने में, कौन से गुफा में तुम्हारी गैरत मुर्दा पड़ी हुई नजर आती है? अल्लाह अकबर। लोगों याद रखो, ये शुबहात के फितने यहीं से शुरू होते हैं कि इंसान जब कुरान और हदीस की तालीमात की मनमानी तावील करना शुरू कर दे, अपनी मर्जी से अपने मन के मुताबिक जो जी में आया कह लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में होता तो मैं मुगीरा बिन शोबा और माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर तलवारें लेकर के लड़ने के लिए निकलता। अरे मैं कहता हूं, क्या पता तकदीर में यह लिखा होता कि तुम नबी के जमाने में होते, अली के जमाने में होते, लेकिन अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ और अब्दुल्लाह इब्ने उबै जैसे लोगों के साथी और उनके आलाकार बने होते हैं। जो गुजर चुका उसके बारे में बात करते हो, उनके बारे में, जिनकी लड़ाइयों के बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इन सबको माफ करने वाला है, उनकी लड़ाइयों पर बात करते हो। और लोग उलमा से, मैं आपको बताऊं दूरी का कितना बड़ा नुकसान है। एक बहुत बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूं, घर जाना जाने के बाद अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं आप तमाम मर्दों को और औरतों को, घर जाना, घर जाने के बाद कुरान मजीद खोलना, सूरतुल कसस, सूरतुल कसस आयत नंबर 78 से 83 तक पढ़ना, 79 से लेकर के 83 तक। इसमें अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है कि उलमा से दूरी का कितना बड़ा नुकसान होता है, यह आप समझ लीजिए। कारून के बारे में तो हम सब जानते हैं, इमाम तबरी रहमतुल्लाह और तमाम मुफस्सरीन ने कारून का वाकया बड़ी तफसील से बयान किया है। कहते हैं कारून के बारे में, फखरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم। कहा एक दिन कारून जो है अपने पूरे लाहो लश्कर के साथ, अपनी दौलत, अपने कह लीजिए कि मालो दौलत के साथ बाहर निकला, तो कुछ लोग वहां मौजूद थे, कुछ लोग वहां आम लोग मौजूद थे,
कहा लोगों ने, या लैता लना मिस्ल मा उतिया कारून, या अल्लाह इतनी दौलत, इतनी शान और शौकत, इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा, हाय काश हमें भी मिल गया होता। ये आम लोगों ने कहा, क्या कहा, हमें भी मिल गया होता। وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا, कहा इल्म वालों ने, उलमा ने कहा उन आम लोगों से, क्या कहा, ويل لكم, खराबी हो तुम्हारे लिए, ثواب الله خير, कहा कारून की दौलत उसकी शान और शौकत को देख करके फिसलो नहीं, आखिरत का जो अजर अल्लाह ने तैयार करके रखा है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये किया कि कारून को कहा, अल्लाह ने फखसफ नबी व बेदार हिल अर्दा, कहा कि हमने कारून और उसके घर और उसके तमाम लाहो लश्कर को जमीन में धसा दिया, है कि नहीं ऐसा, कारून को जमीन में धसा दिया गया था, और सही हदीस के अल्फाज है कि वो कयामत तक धसता चला जाएगा। अल्लाह ने जमीन में धसा दिया, तो वो लोग जो आम लोग थे, इल्म वाले नहीं थे, जिन्हें इल्म वालों ने रोका था, उलमा ने कहा था कि इसके तरह बनने की ख्वाहिश ना करो, आखिरत का सवाब सबसे बेहतर है, ये आम लोग कहते हैं हाय अल्लाह, अल्लाह का एहसान हुआ कि इन इल्म वालों की बातों में आकर हम बच गए, वरना हम भी आज कारून की तरह जमीन में धसा दिए गए होते। ये उलमा से दूरी का नतीजा है, ये उलमा से इल्म ना हासिल करने का नतीजा है कि लोगों ने ख्वाहिश की कारून की तरह होने की, उलमा ने रोका, कहा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने बचाया, वरना हम भी जमीन में धसा दिए जाते। मैं आपको बतलाऊं, बाद सलफ कहते हैं, इन्नल फितनता इदा अकबलत अरफा अल उलमा, जब फितने सर उठाते हैं, जब फितने सर उठाते हैं तो इनको सबसे पहले उलमा जान जाते हैं, और जब फितने पलट के चले जाते हैं तब आम आदमी को मालूम होता है कि यह फितना था जिसमें मैं पड़ गया। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा से इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह ने इसकी रगबत देते हुए कहा कुरान मजीद के अंदर, फलाउला नफर मिन कुल फिरकती मिनहुम ताइफतुन लितफक्कहू फिद्दीन, अल्लाह ने कहा कि नौजवानों की जमात में, खास करके, ये मैं मफहूम बता रहा हूं, तर्जुमा नहीं कर रहा हूं लफ्जी, खास करके नौजवानों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो उलमा से जुड़े, जुड़ करके इल्म हासिल करे, सिर्फ दुरूस में नहीं बैठे, किताबों को पढ़े। किताब, मैं तो कहता हूं हर नौजवान को जो यहां बैठा है, कम से कम अपनी जिंदगी में तीन किताब पढ़नी चाहिए, उसूल सलासा, नवाकिदुल इस्लाम और किताब तौहीद। ये तीन किताबें हमारे हाफिज असलम साहब से या शेख अब्दुल वासे जामी जो यहाँ के इमाम है, इन अइम्मा से पढ़ लीजिए, अल्लाह की कसम आप शुबहात के फितने से अल्लाह ने चाहा तो महफूज रहेंगे। पढ़िए इन उलमा से, इन किताबों को पढ़िए। कहा कि हर ग्रोह में एक तबका नौजवानों का ऐसा होना चाहिए खास करके, जो इल्म सीखे, सीखने के बाद अपनी कौम के लोगों को डराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के किताबों की तालीम दे। मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए कि आप एक अपना अपनी टीम बनाइए, और टीम बनाने के बाद भी ये आप समझ लीजिए कि हमें तालिबे इल्मी की जिंदगी गुजारनी है। हमने बड़े 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 जहाबिजा उलमा को मदीने में, मक्के में देखा कि जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो कहते कि मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूं, अदना सा तालिबे इल्म हूं, अल्लाह का वास्ता। अपनी जिंदगी तालिबे इल्मी की गुजारिए। शुबहात के फितनों से बचाओ का एक बेहतरीन जरिया यह है कि उलमा से जुड़े रहिए, उलमा से इल्म हासिल कीजिए, उलमा के खिलाफ बातें करने से अपनी जबानों को रोके रखिए, अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, रोके रखिए। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने इससे पहले भी यहां कहा है, फिर कहता हूं, मुल्के शाम सीरिया के बारे में कुछ अरसे पहले हम दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह उन पर रहम फरमा दे, उनके हालात को दुरुस्त फरमा दे। शेख साले अल फौजान हफिज़हुल्लाह जो मौजूद है, सऊदी अरब के किबार उलमा में शुमार होता है, उनके पास एक तबका, कुछ लोगों की एक जमात गई, कहा कि ये जो बशारुल असद है इसका बाप था हाफिज अल असद, कहा कि हाफिज असद के खिलाफ हम खुरूज करना चाहते हैं। शेख साले अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने सन 2004 या 2011 की बात है, उस वक्त उन्होंने वहां के लोगों को कहा था कि हाकिम के खिलाफ खुरूज ना करना। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, इनकी बात क्या सुनना, हम पर जुल्म और हम समझते, हम पर ज्यादती और हम समझते, हाकिम के खिलाफ खुरूज किया। आज आप सीरिया के हालत जाकर के देखिए, उठाइए इंटरनेट, सीरिया के हालात पढ़ लीजिए, आपको मालूम होंगे। उलमा ये फितनों को जानते हैं, समझते हैं। भाई वो कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है, 15 साल 16 साल मदारिस में तालीम हासिल करने के बाद वो मसनद इमामत पर आकर के सरफराज हुआ है, वो कोई आम आदमी नहीं, उसने अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस की तालीमात को हासिल करने में गुजारी है। अल्लाह का वास्ता, अहले इल्म से जुड़िए,
فتنوں سے محفوظ رہیے گا. کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کیجئے, فتنوں سے محفوظ رہیے گا. اور کتابوں سے علم حاصل کیجئے, کتابوں کو پڑھنے والے ہو جائیے, اور کتابیں اپنی مرضی سے نہیں, ورنہ آپ کی بھی حالت انجینئر صاحب کی طرح ہو جائے گی. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں علمی کتابی. وہ کتابیں خود سے پڑھ کر کے استاذ بننا, اپنے آپ کو استاذ بتانا اور کتابیں خود سے پڑھ کے علم حاصل کرنا, یہ بھی صحابہ اور سلف صالحین کا منہج نہیں ہے. اور ایک آخری بات, فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, شبہات کے فتنے, تو صبر کیجئے, جلد بازی نہ کیجئے. کوئی بھی چیز آئی فوراً اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا صبر. آئی ایس کا جب فتنہ آیا تھا, تو اس دور میں جب ہم لوگ سعودی عرب میں تھے, میں ہمارے ڈاکٹر فیاض صاحب, ہم لوگ جالیات میں ہوتے تھے اس وقت سعودی عرب کے طائف میں, تو علماء سے جب ہم نے اس کے بارے میں وہاں پوچھا تو علماء نے کہا اس بورو صبر کرو, اللہ تعالیٰ عن قریب معاملے کو واضح کر دے گا. بعض نوجوان جوش اور جذبے میں آ کے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے نکل پڑے, بعد میں جا کر کے انہیں محسوس ہوا کہ یہاں جو کام چل رہا ہے وہ اصل خارجیت کا کام چل رہا ہے, یہ مسلمان سنیوں کا خون بہا رہے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنا. طالبان کی حکومت آئی, لوگ بڑا خوش ہوئے بھائی. اب دیکھیے وہ سلفیوں کو چن چن کر کے قتل کر رہے ہیں. وہ منور فاروقی حیدرآباد آنے والا تھا, نوجوانوں کے اسٹیٹسوں پر چل رہا تھا بےچارہ, حیدرآباد آ رہا ہمارا بھائی, اچھی بات کرتا, بہترین کامیڈی کرتا, کامیڈی کیا, اسٹینڈ اپ ہوئی, پبلک کھڑی ہو گئی. لیکن نوجوان جیلوں کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے جی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول کی گستاخی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ اپنے ٹرپ کو آگے بڑھا کر کے دوسری جگہ کہیں لوگوں کو اسٹینڈ اپ کروا رہا ہے, اور یہاں ہماری اٹھک بیٹھک پولیس نے لگا کے رکھی ہے. کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنا. کوئی چیز آئے, کوئی معاملہ آئے, صبر رکھو, پڑھو, جانو, علماء سے اس کے بارے میں پوچھو, اس کے بعد فیصلہ کرو. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا, ان اللہ مع الصابرین, سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مستدی امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث سند کے اعتبار سے صحیح, آپ نے کہا وعلم ان النصر مع الصبر, جان لو صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وان الفرج مع الكرب, تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا. وان مع العسر یسرا, سختی کے ساتھ ہی اللہ نے آسانی کو مقرر کر کے رکھا ہے. صبر کرنے کی ضرورت ہے, جلد بازی نہیں. کوئی بھی چیز آیا فوراً نہیں پڑ جانا, پہلے انتظار, صبر کرو. آپ علماء سے پوچھو, علماء کو دیکھو اس چیز کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اللہ اکبر, آج ہمارے نوجوان جلد بازی میں آتے ہیں, فوراً چار لوگوں کو لیا, کہیں کھڑے ہو گئے, ایک ویڈیو بنا لیا, خلاص انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. نہ یہ دین ہے, نہ یہ دین کی تبلیغ ہے, نہ یہ منہج سلف ہے. پہلے علماء سے اس چیز کے بارے میں پوچھئے, جانچ پڑتال کیجئے, اس کے بعد اس سے جڑنے کی کوشش کیجئے. اللہ اکبر. ایسے ہی ایک آخری بات, کہ جہاں صبر کرنا ہے تو صبر خاص کر کے ایک معاملے میں کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بات سنی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. شبہات کے فتنے میں اسی پڑھتے. ایک حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے, کمزور ہے, مثال کے طور پہ موضوع ہے, لیکن اس کا تعلق دین کے بہت بڑے معاملے سے ہے. فوراً ہمارے پاس آیا, ہو یار وہ بہت اچھی چیز ہے, کیا کرنا, دوسروں کو بھیجانا, 10 گروپ میں ڈال دیے, ختم. اب وہ 10 گروپ میں جو کمزور ایمان والے ہیں, جن کو تحقیق کا علم نہیں ہے, اس کو قبول کر لیتے ہیں. کہا کہ کوئی بھی خبر آئے اس کی تحقیق کر لو, اور تحقیق کے لیے پانچ وقت نماز کے لیے تو آتے ہی آتے ہیں. امام صاحب سے پوچھ لو, شیخ یہ ایک حدیث کسی نے بھیجی, آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں, محدثین علماء کیا کہتے ہیں. آسان سا طریقہ ہے بھائی, آسان سا طریقہ ہے. کوئی بھی خبر کہیں سے بھی آئے اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو. ورنہ کیا ہوگا, خبر سنی بلا تحقیق اس پر ایکشن لے لیا, بعد میں پتا چلا کہ بھائی وہ خبر غلط تھی, شرمندہ ہو جاتے, سامنے والے کے آگے سر جھکا کے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تقریباً میں نے 4 باتیں کہی ہیں. اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے تو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہیے. اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے, قرآن و سنت کی اتباع اور فرما برداری کیجئے. اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے تو اہل علم سے, علماء سے علم حاصل کیجئے, کیونکہ وہ فتنوں کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. ہم طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کے بار علماء سے علم حاصل کریں.
और अगर शुबहात के फितने से बचना है तो जल्दबाजी करने से अपने आप को बचाइए। वक्त अपना जो है किसी भी मामले में जल्दबाजी न कीजिए, सब्र कीजिए, उलमा की राय लीजिए, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहल आलमीन तो हमारे नौजवानों की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे उलमा की, हमारे बच्चों की और ऐसे ही हमारी ख़वातीन इस्लाम की हर किस्म से, हर किस्म के फितनों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तो हमें शुबहात और शहवात के फितनों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहल आलमीन हम में जो परेशान हाल हैं अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दे। बीमार से याद आया कि हमारी इस मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं अब्दुल्ला बा जुबैर साहब, अब्दुल्ला चाऊश, हम सब करीब करीब अब्दुल्ला भाई को जानते हैं और आपकी तबीयत से वाकिफ भी हैं। वाकई वो एक मर्द मुजाहिद है, एक मर्द मुजाहिद है जिन्होंने दीन के लिए बहुत कुछ, खैर हम बहुत करीब से जानते हैं। गुजारिश ये है कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई अचानक, और आप तमाम भाइयों से और आप ख़वातीन से ये गुजारिश है कि उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें ईमान और सेहत की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह उनके हक़ में खैर के फ़ैसले करें। अल्लाह ताला उन्हें हर शर से, हर मकरूह से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उन्हें उनकी बीमारियों से जल्द अज जल्द शिफाया भी अता फरमा दे। अल्लाह उनके हक में खैर का फैसला फरमा दे। और ऐसे ही एक दूसरा मसला कि आप देखें कि एक मलऊन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखी की है, अब वो जेल के अंदर है, उसके बावजूद बाज नौजवान जज्बात में आकर के गलत कदम उठा ले रहे हैं। गुजारिश है अपने नौजवानों से कि अमन और शांति को बरकरार रखिए, कोई काम ऐसा ना कीजिए कि आपकी अपनी कम्युनिटी, आपके अपने मुसलमान भाई उसकी वजह से बदनाम हो जाए। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अमन और शांति का माहौल बना रहे, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला या तो उस बदबख्त को दीन इस्लाम की हिदायत दे दे, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके आलो औलाद के साथ गर्क कर दे। अल्लाह की उस पर लानतें हों, अल्लाह की उस पर लानतें हों, अल्लाह उसके और उसके आलो औलाद को गर्क फरमाए, अल्लाह उन्हें तबाह व बर्बाद कर दे, अल्लाह उनके इत्तेहाद को तोड़ दे, अल्लाह उनके घरों को आग लगा दे, अल्लाह उनके इमारतों को मिसमार कर दे। इलाहल आलमीन हम में जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम में जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा दे। इलाहल आलमीन तो जब तक दुनिया में जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खातिमा हो तो ईमान इस्लाम की हालत में हो। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।